सोलन से परमाणु तक फोर लेन निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें पहाड़ों को और हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ का स्टार्ट बिल्कुल कमजोर हो चुका है और पहाड़ अपनी जगह छोड़ रहे हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े पत्थर मौत के दूत बनकर नीचे जा रही गाड़ियों पर अचानक गिर जाते हैं, जिसकी वजह से अभी तक करीब आधा दर्जन लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और दर्जनों लोग घायल भी हो चुके हैं। कई पर्यटक बहुत ज्यादा किस्मत वाले होते हैं जिनकी गाड़ियों पर पत्थर तो गिरते हैं और गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त होती हैं, लेकिन बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन अनमोल जिंदगी को किस्मत के सहारे छोड़कर मौत का सफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिमाचल में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और बारिश होने से पहाड़ों से पत्थर गिरने का जोखिम ज्यादा बढ़ जाता है। इस बारे में स्थानीय लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि पहाड़ों की कटिंग अवैज्ञानिक ढंग से हो रही है। पहाड़ों को सीधा 90 डिग्री के एंगल में काटा जा रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ों की पकड़ कमजोर होती जा रही है। साथ लगते पेड़ों के कटने से पकड़ और ढीली हो गई है। यही वजह है कि रोज पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर नीचे गुजर रहे वाहनों पर गिर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह के भीतर बस और एक बड़ी कार में बैठी सवारियां पत्थरों की चोट से घायल हो चुकी हैं, लेकिन सुखद बात ये रही कि कोई जानी नुकसान इन घटनाओं में नहीं हुआ है। उन्होंने मांग की है कि जल्द ही पहाड़ों से गिरते पत्थरों का कोई स्थायी हल निकाला जाए, ताकि लोगों के अनमोल जीवन को बचाया जा सके। कच्ची मिट्टी होगी जैसे मशीन के द्वारा लोब में कटिंग होनी चाहिए थी, सारी खड़ी कर दी बिल्कुल खड़ी। उससे क्या होगा? उससे ये होगा अभी जमीन खाली होगी, नीचे से ऊपर से पानी रचेगा और सारा ही सड़क को आ रहा है मिट्टी वगैरह टोटली। बस कई ऊपर को समले साइड को कुम्हाटी साइड गए, कई गाड़ियों पर गिरा फिर जैसे कई गाड़ी रोंग आ रही है, जैसे देख नहीं रही भाई आने वाला पॉइंट है और पत्थर चले तब भी निकल ही जा रहे अपने रेस में। फिर क्या होगा? काफी दो तीन एक गाड़ी में तो सारे आदमी मर गए थे पहले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमीरपुर नगर इकाई ने विद्यार्थी परिषद का 70वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि कौशल विकास निगम के समन्वयक नवीन शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। नवीन शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद ने 70 वर्ष पूर्व अपना काम करना शुरू किया था, अब विद्यार्थी परिषद वट वृक्ष के समान हो गया है। विद्यार्थी परिषद का हर कार्यकर्ता अपना योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में कार्य कर रही है। उन्होंने विद्यार्थी परिषद के विभिन्न आयामों के बारे में भी उपस्थित छात्रों को बताया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने ज्ञानशीला एकता के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाई। उन्होंने विद्यार्थी परिषद के लक्ष्य राष्ट्र के पुनर्निर्माण के बारे में भी उन्हें अवगत करवाया। विद्यार्थी परिषद का आज स्थापना दिवस है और देश में शिक्षा का, ज्ञान का और विद्यार्थियों का प्रैक्टिकली पूरे देश की शिक्षा नीति पर विचार करने के लिए विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर इस बार इस विषय पर चर्चा करेंगे। करीब 25 दिनों के अंतराल के बाद डॉक्टर प्रवीण कौशल ने डॉक्टर बाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नोनी के कुलपति का कार्यभार संभाला है। उनकी नियुक्ति की अधिसूचना हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी कर दी गई है। नोनी विश्वविद्यालय में कार्यभार संभालते ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों व उनके करीबियों ने उन्हें बधाई दी। आपको बता दें कि डॉक्टर परविंदर कौशल इससे पहले बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची झारखंड के बतौर कुलपति कार्यरत थे। हिमाचल प्रदेश के जिला
सोलन के ग्राम कहनी में जन्मे डॉक्टर कौशल नोनी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी एमएससी वानिकी की पढ़ाई विश्वविद्यालय से हासिल की है, जिसके बाद फ्रांस के यूनिवर्सिटी ऑफ नैंसी से फॉरेस्ट्री में डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर कौशल पिछले 35 वर्षों से शिक्षण, अनुसंधान और विकास, विस्तार और प्रशासन में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जिसके दौरान उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में अलग अलग संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अपनी सेवाएं दी। इनमें से प्रमुख है इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर, और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में वानिकी संकाय में डीन। नोनी विश्वविद्यालय में ये पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक और समन्वयक के रूप में डॉक्टर कौशल ने कई वर्षों तक कार्य किया। वहीं नोनी विश्वविद्यालय में बतौर कुलपति कार्यभार संभालने के बाद डॉक्टर परविंदर कौशल ने कहा कि बतौर कुलपति उनका मुख्य उद्देश्य देश व प्रदेश के किसानों तक पहुंचाना होगा। वहीं उन्होंने विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किए जाने पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भूमि में प्राकृतिक खेती करने की क्षमता है और इस तरह की खेती के लिए वे प्रयासरत रहेंगे।